चाय बनाएंगे और साथ में हम अपना ईद मुबारक। ये घोड़ा क्या ऊपर करने गया हुआ है? ये नीचे था ऊपर आ गया घोड़ा। आज कौन से कलर का सूट पहन रही है? ब्लैक पहनोगी? आपने बताया ना? आपने आपका नहीं, मैंने नहीं बताया। आपने बताया, अंदर जाके बताया? नहीं बताया, खुद ही बैठी थी, पता नहीं कहाँ से पता चला। अनीता कपड़े इस्त्री कर रही है तो वहाँ से देख लेगा। आयत गिरोगी? हम आयत के कपड़े दिखाने के लिए जा रहे हैं पहले से ही। अस्सलाम ईद मुबारक। और बाकी ये देखो, पूरी रात जागते रहे और अभी तक सो रहा है मुस्तफा। कोई पता है ईद का दूसरा दिन है? कोई पता है? अजीद है ये, क्या दुपट्टे मम्मा के पहन के, आयत का ब्लैंकेट पहन के कैसे सो रहे? उठो लोगे? बस अभी चेंज करूंगा। आज हम ईदी भी लेंगे आपसे, बहुत सारी ईदी। जब तक इस मेहंदी का रंग नहीं जाता ना, हम रोज ईदी लेंगे आपसे। आज तो बारिश नहीं हो रही ना? रेडी तो हो जाओ। आज तो धूप निकली, वैसे कल भी धूप ही निकली हुई थी सुबह के टाइम, फिर बाद में एकदम मौसम चेंज हुआ। पापा ने सिर्फ 100 रुपए दिए हैं। तैयबा ने तो मैचिंग की पोनी भी पीछे लगाई है। ये देखो, ये रात को जब सोने जाती है ना, मैं उस टाइम खैर व्लॉग एंड कर लेती हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सोने की पूरी तैयारी करके जाती है, अपना स्लीपिंग ड्रेस पहनेगी, बाल वाल बांधेगी और फेस वॉश करती है, पूरी तैयारियों के साथ जाकर सोती है। पूरे घर में एक यही ऐसा करती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं इसमें से कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। मेरा सूट कहाँ गया? सूट तो यहाँ सामने ही लगाया था। अनीता सूट मेरा नीचे ले गई हो? अच्छा हाँ, ये रहा ये रहा का सूट। आज हम पहनने वाले हैं ब्लैक। मैंने आज सेकंड डे का ब्लैक अपना रखा था। मैंने सोचा कि पहले दिन जो है ना ब्लैक नहीं पहनते, पहले दिन ब्राइट कलर अच्छा लगता है, और दूसरे दिन जो है ना ऐसा ब्लैक पहनूंगी। ये भी मैंने फुल ऐसा लॉन्ग शर्ट बनवाई है, नीचे रख के दिखाऊं। और नीचे भी ये जो सारा कपड़ा है ना, ये मैंने अलग से लेकर नीचे बॉर्डर इसके लगवाए हैं। इस तरीके का मैंने ये कपड़ा ले लिया सादा सा था, इसमें ये अलग से मैंने कपड़ा लिया बॉर्डर का, बीच में फिर ज्वाइनिंग लेस लगवाई और बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर वही बॉर्डर और ज्वाइनिंग, और इस तरीके से करके हमने अपने ये मैंने नीचे अपनी शर्ट का ऐसा बॉर्डर बनवाया। पूरी स्ट्रेट शर्ट है और लॉन्ग है काफी, सेम वैसा स्लीव्स पे लगवाया है और साइड पे इस तरीके से मैंने बटन लगवाए, तरीके से लूप बटन जो होती है ना साइड पे, वो भी मैंने ये लगवाए, दोनों साइड से ये बटन हो गए गोल्डन। इसमें पहले से बहुत ज्यादा था तो मैंने सोचा मेहरून बटन करवा लेती हूँ, वरना गोल्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मम्मा के साथ मैचिंग कर रही हो? आज मम्मा के साथ मैचिंग कर रही है। ये देखो, ये रहा इसके साथ का दुपट्टा, रहा दुपट्टा, दुपट्टे का ऐसा कपड़ा लिए, फिर साइडों से चारों तरफ इस तरीके से ये समोसे वाली लेस लगवा लिए, गोल्डन कलर की कनारी वाली लेस हो गई, तो ये इस तरीके से प्यारा सा दुपट्टा इसका बन गया। तो ये रहा हमारा ईद का सेकंड डे का ड्रेस। बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं बनवाया, बिल्कुल सिंपल सादा सा गला रखवाया इस तरीके का, और पीछे मैंने इसके ना टसल लगवाए ये इस तरीके, साइडों से देखो इस तरह की ये इनके टसल हो गए। बाकी गले का डिजाइन भी इसका बहुत प्यारा है, ये इस तरह का है। बाकी बीच में ऐसा शोल्डर वाली जगह पर थोड़ा सा कट है, और गला भी बहुत प्यारा बना हुआ है ना। इस क्यों स्ट्रगल अपनी व्लॉग एडिटिंग करने में। और ये देखे, आपका ब्लू है आज, ब्लैक है? ब्लैक नहीं है, मैंने आपसे कहा था ब्लैक पहनिएगा आज। देखो मैंने अपना सूट चेंज कर लिया, बस अभी मैं अपना मेकअप लेके खड़ी हूँ, मेकअप करने लगी हूँ, कुछ यहाँ तक पहुंचे, फाउंडेशन लगाई और कंटूरिंग करने लगी हूँ। जल्दी जल्दी से रेडी होते, टाइम पूरा पूरा अभी जाकर मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है और बाकी सारे वेट कर रहे हैं, मेरा सारे तैयार है। ये रहे मेरे साथ के जूते जो मैंने इसके साथ ये मैच करके लिए थे। चलो अभी जूते पहन लेते हैं जी। अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, आज ने भी ब्लैक पहना है। देखो यहाँ पर मेरी तैयबा ने भी ब्लैक पहना है, सब ने आज ब्लैक पहना है। आपके पापा का थोड़ा सा चेंज और मुस्तफा का भी। तैयबा दिखाएगी मामा की ड्रेस, अभी ही ले लेना। ओके, ले। ओ मेरा सूट, मेरा सूट तो देखो ये ब्लैक वाला, इधर तो आओ। आज भी देखो मैं अच्छे से रेडी होकर आई हूँ आपको ईद मिलने के लिए, और आपसे ईदी भी लूंगी। मुबारक मम्मा का शहजादा। ऐसे तस्वीर बनवा लो ना, फिर उठाऊंगी तस्वीर उठा के, फिर दिख रहा है, पूरा ही दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और खैर खैर ऐसे यही रोज सोचते हैं कि जल्दी तैयार होगी जल्दी, लेकिन ना वो प्यार तो खैर जल्दी हो जाती है, लेकिन तस्वीरें वीडियो रील ये सब ना इतना टाइम वेस्ट होता है ना इसमें, और ईद के मौके पे ये रील्स बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, तैयार होकर हम अच्छी अच्छी अपनी तस्वीरें खींचते हैं, ये सिर्फ ईद के मौके पर ही हम कर सकते हैं, हो जाता है हमें बाहर निकलने में। और देखो अभी अंधेरा हो गया, ये हम जा रहे हैं बारबेक्यू करने अंधेरे में।
दिन का प्लान किया था कि मतलब 5 बजे तक ना यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ करेंगे अंधेरे में बारबेक्यू? इधर कहीं पहाड़ पे देखते हैं। पहाड़ पे तो और ज्यादा अंधेरा होगा। एक तो हमारी तस्वीरें खत्म हुई थी, एक तस्वीर यहाँ पर भी, एक थोड़ा यहाँ पर भी, पास है यहाँ पर भी रहेगी। ऊपर से तस्वीरें खींचते खींचते मैंने सोचा एक हमारे इस गार्डन में भी, यहाँ से आओगे ना तो यहाँ से साफ दिखेगी। साफ दिख रहा है अभी या बीच में ये आ रहा होगा ना? नहीं अभी सही आ रहा है, यहाँ पर आ जाओ। अब ठीक है, अभी सही है, बहुत प्यारे। या बीच में ये तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा है लेकिन साइड पे। ठीक है, अब सही है, बहुत अच्छा। कहाँ रहे हैं? काली पहाड़ी पर। काली पहाड़ी को ये रमजान ने देख लिए, काली पहाड़ी और वहीं जा रहे हैं। सामने ऐसे जा रहे होते हैं ट्यूशन की तरह, तो सामने बड़ा सा पहाड़ है, उसे काली पहाड़ी है। काले कपड़े और काली पहाड़ी, पता नहीं कौन से इन्होंने कोई काली पहाड़ी देख लिए। और पूरे माह रमजान के महीने में रमजान हमें यही बोलता रहा है कि काली पहाड़ी पर चलते हैं रोज़ अफ्तार करने के लिए। रोज अफ्तारी के लिए तो हम नहीं जा सके काली पहाड़ी पे। अच्छा आप इसको काली पहाड़ी बोलते हो? ये तो कहीं से कोई काली पहाड़ी नहीं दिख रही, अभी ग्रीन है, बाद में काली बन जाएगी। हाँ तो अंधेरा होगा तो काली ही हो जाएगी। तो सारी फिर काली पहाड़ियाँ हो जाएंगी। ये रही ऊपर बड़ी सी पहाड़ी, अभी हम वहाँ पर जाएंगे बारबेक्यू करने के लिए। वैसे ये भी रास्ता था जाने का, इसी साइड पर कोई जगह देखो, ये बेंगलुरु है ना जो वहाँ से दिख रहा है, एक ही बना हुआ है। और मेरा भी ऐसा ही दिल है कि ऐसे ही घर हो जहाँ से सारा दिखे, ये इनको व्यू बहुत अच्छा आता है। चलो फाइनली जो है ना हम यहाँ पर काली पहाड़ी पे पहुँच गए। कुछ ले भी आते ना, बैट बॉल भी यहाँ पर खेल सकते थे आप और हम अपना जो है ना कहाँ पे। तो चलो अभी आगे चलते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का व्यू। ये देख, ये रहा हमारा सिटी, देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। अभी थोड़ी थोड़ी लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं, जब पूरी लाइट्स ऑन हो जाएंगी ना तब तारों की तरह ये पूरा शहर चमक रहा होगा। ये वाला रोड है ना, यहाँ से अभी हम मुड़ रहे थे ना तो ये घर सामने से दिख रहा था। कितना अच्छा लग रहा है ना मुस्तफा, यहाँ से पहले हम कभी भी नहीं आए। हमारा घर क्या हुआ, पिकनिक हो रहा है हमारा, कहाँ पर, किस चीज का? ये लाए थे हम अपना साथ में, ये हो गया हमारा कारपेट वहाँ पर। हाँ वो समझ रही, कोई बारबी यहाँ पर आ रही है, बारबी क्यों कर रहे हैं? मैं बस और आगे नहीं जाना, और आगे नहीं जाइएगा, आगे आपके लिए बॉर्डर भी है, नहीं जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल तो खैर बारिश होती रही है, आज बारिश नहीं है लेकिन इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है ना, और इतना अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ पर अपनी चाय बनाएंगे और साथ में हम अपना बारबेक्यू करेंगे। सारा सामान जो ना सब कुछ पैक करके साथ में लाए हुए हैं। थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा ले लूँ, इतना अच्छा लग रहा है। फुल लाइट, इसी जगह पर मैं हमेशा अम्मी को कहती हूँ घर बनवाने का, जो अम्मी का दिल कभी भी नहीं मानता, कहती इतनी ऊँचाई पर नहीं बनवाओ कभी भी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई रिंग लाइट लेकर आए ना तो बहुत अच्छा शूट होगा। हाँ बस अभी आ रही हूँ यहाँ पर, तो आग भी जला ली है, हम थोड़ा सा वहाँ पिक्चर ले रहे थे। ये कि आज ना हमारा यहाँ पर रोजा अफ्तार हो रहा है, पर पार्टी हो रही है जी, बारबी पार्टी हो रही है। हाँ बारबी पार्टी हो रही है। और देखो अनीता ने यहाँ पर ढेर सारे कोयले जमा किए, पूरा शापर भर के लाइए, गाँव से लाइयो। ये एक और चादर भी लेकर आए, दस्तरखान भी लगी है, किसी को नींद आ जाए तो ये सो जाए। हाँ ये भी है, ये बन रही है टिक्का कढ़ाई, टिक्का कढ़ाई बन रही है, रहा हमारा टिक्का कढ़ाई और साथ में कबाब बनेंगे जो मैंने ईद आंध रात को बना कर रखा था ना मसाला उसका, उसके लिए ये देखो ये सारी तैयारी। साथ में टिक्का बोटी होगी और ये बनेंगे सीख कबाब। और इसमें क्या लाए हो? पाला टमाटर पेस्ट। देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता ना लाइटिंग सारी ऑन होना शुरू हो गए तो पीछे कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और देखो चांद तो हमने देखा नहीं, इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा ठहरो, जूम करते हैं और अब देखो चांद को, चांद रात को नजर ही नहीं आ रहा था। ठहरो थोड़ी सी ना ब्राइटनेस कम करते हैं, आप देखना प्यारा लगेगा। ये देखो चांद इतना प्यारा लग रहा है, यहाँ कैमरे में देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है और इतना साफ क्लियर दिख रहा है। गाइस हमारा बारबेक्यू शुरू हो गया है, एक साइड पे बन रहा है हमारा टिक्का कढ़ाई, एक साइड पर बन रहा है ये हमारे सीख कबाब। और इतनी ज्यादा यहाँ पर खुशबू आ रही है ना, इतना मजे की टिक्का कढ़ाई की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और एक सीख कबाब की, एक और सब पूरी लाइन भर देंगे हम। ये तो अभी बनाते हैं, ये एक और। आज मैंने कहा मैं तैयारी में हूँ, साथ मेरे नेल्स लगे हुए हैं तो रमजान और ये सारा कुछ कर रहे हैं। आज दे दो इसको अंगारे पे, हाथ भी सेक लो। तो वैसे सर्दियों में गांव में जैसे बहुत ठंड होती है ना, इस तरह के अंगारे होने चाहिए। स्मोकी टिक्का बन रहा है और इसमें एक अंगारा जाने वाला है, अंगारे के ऊपर डाल, के ऊपर डाल बस। आप देखो कितनी खुशबू आ रही है,
ये साथ में बैठ कर ना इनको घुमाना भी पड़ता है। फिर आए तो आप नहीं आओ इधर पास, देखो पकना शुरू हो गया, ये तो जल भी रहा था नीचे। लाइन है पता नहीं कैसे है, आग में घी डालने वाली बात हुई। बाकी इस साइड पर देखो हमारी टिक्का कढ़ाई यहाँ पे रेडी हो गई है, है ना, बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है, बहुत ज्यादा मजे की बनी है ना। अभी ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि मैंने ना फेस पे मेकअप किया और उसमें जब आप कुकिंग करो ना तो बहुत गर्मी होती है, अंगारों की हीट बहुत ज्यादा आ रही थी, तो मैं यहाँ पर हवा लगवानी हूँ एकदम से ना, अब हवा भी तेज चल पड़ी है। पहले हमारा यही प्लान था कि हम कहीं होटल पे जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ना इतना ज्यादा रश शोर शराबा और थोड़ी देर बैठो खाना खा के बस निकल आओ। बच्चे भी साथ में इजी हैं, कोई लेटा हुआ है कोई बैठा हुआ है, खेल भी रहे ना साथ साथ। मुस्तफा के जरा जूते देखो, अनीता के जूते पहने हुए हैं। सीख कबाब तैयार हो गए हैं और अभी बन रही है यहाँ पर टिक्का बोटी हमारी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा, और अभी तेज हवा पे बन रहे हैं ये, बहुत जबरदस्त बने और चलती बन, इसको हवा ही चाहिए होती। अच्छा नहीं इसी के ऊपर ही रखने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सारा, ईद मुबारक। ईद मुबारक, कैसे हो ठीक हो? आज सारा ब्लैक बन गया, ये अच्छा हमने सोचा थोड़ा बाहर हवा। तो मिले तैयबा, आप सारा से मिली हो। साथ में ये भी लाई है फायजा सिस्टर, ये किसने बनाया था? ये ताहिरा सिस्टर, ताहिरा सिस्टर ने भेजा। और साथ में ये भी भेजा है चना चाट बनाई हुई थी। ताहिरा सिस्टर को इतना मिस किया, आ ही नहीं रही, तबीयत सही नहीं हो रही अभी। जी सुनाओ। यहाँ पर खाना सबका शुरू हो गया है, आप बताएं कैसा बना? आज मेरे हस्बैंड ने कुकिंग की है, बहुत मजा का, अच्छा बना, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट, अच्छा लगा। अभी यहाँ पर सब खाना खाने के लिए बैठे हैं। सारी है वरना वो लाइट उठा लो, कौन जब हम आए ना तब ऐसी हवा नहीं थी, बहुत हल्की हल्की सी थी, बाद में ज्यादा फिर तेज शुरू हुई है ना। और हम रोटियां भी जल्दी बनवाएंगे, वो नहीं थी ना ताहिरा सिस्टर, वो काम से हर एक चीज प्रॉपर होती है सारा कुछ। यहाँ पे रमजान अंकल की चाय तैयार होने ही वाली है। हाँ अभी चाय तैयार होने वाली है और खुशबू चाय की वहाँ तक आ रही है जिधर सारे बैठ के बात कर रहे हैं। इफ्राहिम भी आ गया गाइस। मैं जिधर फुटबॉल खेलता था ना प्रो स्टार, उधर एक बच्चा होता था इफ्राहिम, उसे इफी बोलते थे। तो गाइस ये रही हमारी चाय तैयार हो चुकी है, अनीता आप यहाँ पे ऑर्डर लेने आ गई है और चाय हैज अराइव्ड। शुक्र है कि मौसम अच्छा रहा, तो आपको ना काफी देर से देख रहा था। अरे यहाँ पर इतना मजा, इतना अच्छा लगा ना यहाँ पर आकर। अभी हमने बस चाय पी ली है, खाना वाना खा लिया, चाय भी पी ली है और यहाँ पर सब फायजा सिस्टर आ गई हैं, बच्चों ने चलो एक दूसरे के साथ ईद मिल लिया कि बाकी ताहिरा सिस्टर को बहुत मिस की है, तबीयत असल में उनकी ठीक नहीं है, बस दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाए। और ये देखो अभी हम वापस आ गए घर, घर आते ही बच्चों ने बनाया हुआ यहाँ पर अपना छोटा सा घर, सारा भी हमारे घर पे है, सारा और आयत दोनों खेल रही हैं। और बाकी इसके अलावा मुस्तफा को मिल गया है इफ्राहिम दोस्त, इसका ये खेल रहे हैं अपनी दोनों गेमिंग। इफ्राहिम बोर तो नहीं हो रहे, खुश हो? आज हमारे बेबी के टम्मी में ना पेन था तो बहुत रोता रहा, इस वजह से अंदर रूम में है। आज ईद का दूसरा दिन है, कल मुझे लगता है हमारा बेबी जो है ना व्हाइट शलवार कमीज कुर्ते में इतना प्यारा लग रहा था, पता नहीं क्या नजर लगी है क्या हुआ, आज पूरा दिन ना रोता रहा है, उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द था, खैर फिर उसको दवाई दी, अभी आराम तो कर रहा है, सो रहा है, और उसकी मम्मा भी साथ में उसके साथ परेशान, वो भी साथ में जागती रही हैं तो अभी वो भी सो रही हैं। और बाकी में जैसे सब बोलते हैं ना कि काली गाड़ी को ना बहुत ज्यादा साफ रखना पड़ता है, रमजान ने ईद से एक दिन पहले इसको चमकाया है और फिर से मट्टी मट्टी हो रहा था, तो अभी दोबारा से सफाई हो रही है, इतना ज्यादा इसको सफाई की जरूरत होती है। अभी ये क्रीम भी लगाएगी, देखा ना कौन सी क्रीम लगा रहे हो इसको, जरा काली गाड़ी है और इसको काला होने के लिए मजीद और क्रीम लगानी पड़ती है। ये शाइनिंग वाली क्रीम है, और मैंने आज पहना हुआ काला जोड़ा, तो मैंने सोचा काले जोड़े के साथ ना काली गाड़ी में बैठ के रील बनाते हैं, बहुत अच्छी आएगी। और ये मैंने जब से गाड़ी ली थी ना तब से सोचा था कि जब ईद आएगी ना तो ईद पे काला जोड़ा पहन के इसमें रील बनाएंगे, तो देखो कैसी बनती है। इनका टेबल तो देखो लगा हुआ है साथ में, ये क्या आपका डिनर चल रहा है? चमका के बाहर भी ले आए हैं, ये देखो
अभी बैठती हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। काली गाड़ी, काले सूट, सब कुछ मैचिंग किया आज। जो आधी रील है वो आप बनाओगे और आधी रील रमजान बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको सारा कुछ सेट कर दूंगी, आपने वहीं खड़े होकर वीडियो बनानी है, ठीक है। अपनी जो है ना प्यारी सी गाड़ी को अभी हम ड्राइव करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इतने दिन से ना मैंने अपनी गाड़ी भी ड्राइव नहीं की। चलो रेडी हो? कोई आप खुला रोड बताओ प्यारा सा, वहाँ पर चलते, वहाँ रील बहुत प्यारी आएगी। मेहनत के बाद ना आप जाकर हमारी रील बनी है। रील तो चलो फाइनली बन गई है, वो सब आप कल देखेगा, अभी मैं एडिट करूंगी, देखो कैसे बनती है। बात चल रही ना, रोड भी खाली था ना, इतना रश नहीं था, तो हमने आराम से सुकून से बनाई है। बस चले चल। अभी आप ड्राइव कर रहे हो? रील पे सच में बहुत मेहनत लगती है, व्लॉग तो बस जहाँ पर भी आप बैठे हो ना व्लॉग बना लो, रील बहुत टाइम लेती है। लेकिन चलो बन गई अच्छे से, पहुँच गए हैं अपने घर इस काली गाड़ी के साथ। आज हमने ढेर सारी रील बनाई है, अब देखो एडिट करूँगी तो कैसे आती है। चलो अंदर चलते हैं। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं सोया। इब्राहिम जाग रहे और सारा, ओए सारा भी जाग रही है कैसे। और अभी जाना थोड़ी थोड़ी मुझे भूख भी लग रही है। थोड़ा टिक्का भी बच गया था। और इसी के साथ ना व्लॉग एंड करती हूँ, कुछ रील बच गई थी वो आकर मैंने यहाँ पर बनाई है। बहुत ज़्यादा अभी थकावट हो रही है, जाकर सोती हूँ, सुबह फिर एडिट करना है और फिर टाइम पूरा पूरा बैठते, फिर हम शाम को जब कहीं निकलना होता है ना तैयार होकर शाम को निकलते हैं। और अभी आपको बताऊँ टाइम रात के 4 बज रहे हैं, अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ, बाकी सब सो चुके हैं। इससे ना एक थकावट थी, ईद के कपड़े लेकर ये खरीदारी करके वो खरीदारी करके ना आज सच में ना वहाँ पर हम जाकर रिलैक्स हुए। एक प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, साथ में हमने फिर चाय बना ली, फिर फायजा सिस्टर आ गई, हमने चाय पी, साथ में बारबेक्यू एंजॉय किया और बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया, तो बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा है आज। मतलब कल से भी मैं बोलूँ तो आज हमने बहुत सुकून किया वहाँ पर, दिल कर रहा था वहीं तकिया लगा कर ना, सामने चांद इतना प्यारा लग रहा था, चांद और प्यारी प्यारी लाइटिंग और ठंडी ठंडी हवा, इतना प्यारा व्यू था। तो खैर इसी के साथ ना वीडियो को एंड करती हूँ, और कल भी बहुत प्यारी प्यारी रील आने वाली है। इस जो गाड़ी वाली रील थी ना, इस पर हमने बहुत सारी मेहनत की है, अब देखो आती कैसे, एडिट के बाद निकलता उसका फाइनल लुक कैसा निकलता है वो सब देखेंगे। पिक्चर, वीडियोज, रील्स, यही बस पूरा दिन इसी में निकल जाता है, अपनी प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाने। मिलूंगी मैं आपको कल एक नया व्लॉग के साथ, अभी मैं भी जाकर सोती हूँ, बहुत टाइम हो रहा है, कल मिलूंगी, बाय बाय।